दिल्ली के नाकलोई में शराब सप्लायर ने कांस्टेबल को कुचला, कांस्टेबल की मौत हुई, शराब सप्लायर फरार। शराब सप्लायर को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने ट्रैप बिछाया हुआ था। जैसे ही शराब सप्लायर की गाड़ी आई, कांस्टेबल ने रुकने का इशारा किया तो आरोपी ने कांस्टेबल को टक्कर मार दी। पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है, लेकिन कार से शराब बरामद नहीं हुई, कार चालक फरार है। घटना रात करीब 3 बजे की। अरविंद केजरीवाल ने घटना को लेकर अमित शाह को घेरा, कहा दिल्ली में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, पूरी तरह से जंगल राज। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर आती है, तुरंत प्रभावी कदम उठाएं। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण की वोटिंग से पहले बड़ा आतंकी ऑपरेशन, कठुआ और पुलवामा में घेरे गए आतंकी। पिछले 24 घंटे में अलग अलग एनकाउंटर में 3 आतंकियों का खात्मा हुआ, कठुआ में 1 आतंकी ढेर हुआ है, पुलवामा में 2 आतंकी ढेर किए गए। कठुआ में हुए एनकाउंटर में पुलिस के एक हेड कांस्टेबल शहीद हुए हैं, एएसआई और डीएसपी ऑपरेशन में घायल हुए। कठुआ में 3 से 4 जैश के आतंकियों के छिपे होने की आशंका, जारी है एनकाउंटर। यूपी के महोबा में रेलवे ट्रैक के बीचों बीच बड़ा पत्थर रखा होने से हड़कंप मचा, पत्थर देख लोको पायलट ने समय से ट्रेन रोककर उच्च अधिकारियों को सूचित किया, बड़ा हादसा चला। महोबा में ट्रेन डीरेल करने की साजिश नाकाम, झांसी मणिकपुर रेलवे ट्रैक पर बड़ा पत्थर मिला, मौके पर स्थानीय पुलिस आरपीएफ ने पहुंचकर पत्थर हटाया। पत्थर रखने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी से पूछताछ कि किस इरादे से आखिर ट्रैक पर पत्थर रखा गया था। बिहार के अररिया में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ने से रेल यातायात बाधित, पटरियों पर बाढ़ का पानी आने से जोगबनी से कटिहार जाने वाली सभी ट्रेनें बंद, बाढ़ के पानी से रेल की पटरियां डूबी, अगले आदेश तक ट्रेन को किया गया रद्द। जोगबनी रेलवे स्टेशन पर पानी आ जाने से सभी ट्रेनें रद्द, नेपाल में भारी बारिश के डैम के गेट खुल जाने के कारण बिहार में इलाके में पानी भी घुसा। बिहार और नेपाल में बारिश की तबाही से कोसी सीमांचल के बिगड़े हालात, कई जिलों में अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने बिहार के लिए अगले 24 घंटों में रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें 5 जिलों में मूसलाधार बारिश होने की आशंका। गोपालगंज में हुई मूसलाधार बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल के हालात बिगड़ गए, इमरजेंसी वार्ड में घुटनों तक पानी घुसा। नेपाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, अब तक 60 लोगों ने जान गंवाई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कार्यकर्ता को महंगी पड़ी, कार्यकर्ता को हाथ मारते हुए सेल्फी लेने से इनकार किया। कार्यकर्ता पर भड़के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, कहा मैंने आज तक किसी को सेल्फी नहीं लेने दी। इसके बाद खट्टर कार में बैठकर रवाना हो गए। खट्टर ने कहा अकेले की फोटो मैंने कभी किसी को लेने की इजाजत दी है। गुहला से बीजेपी उम्मीदवार कुलवंत बाजीकर के समर्थन में गांव सीवन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। खट्टर ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला, कहा कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती का कांग्रेस पर वार, कहा हरियाणा कांग्रेस में जब तक अभी कुछ ठीक नहीं है तो बाद में क्या होगा। राज्य में दलितों की उपेक्षा को लेकर मायावती ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस हमेशा से दलितों की लगातार उपेक्षा तिरस्कार कर रही है। मायावती ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा हरियाणा के दलित समाज के लोग आपका तिरस्कार करने वाले कांग्रेस और बीजेपी को अपना वोट देकर खराब ना करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज दिल्ली और हरियाणा में सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम ने मांगी पैरोल, 20 दिन की मांगी पैरोल। 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अस्थायी पैरोल का किया अनुरोध, हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेल से बाहर आ सकता है राम रहीम। हरियाणा के बादशाहपुर से आप प्रत्याशी वीर सिंह राणा के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे सांसद संजय सिंह। संजय सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा हरियाणा में जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसका रिमोट आम आदमी पार्टी के पास होगा। संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि पिछले 10 साल में मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा को खटारा राज्य बना दिया। आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को आप जब अपना वोट देने के लिए जाना तो ये सोच के जाना कि आप हरियाणा की तकदीर अपने उंगली के इशारे से लिखने जा रहे हैं। हरियाणा यात्रा पर निकलेंगे राहुल गांधी, प्रचार के आखिरी चरण में 25 से 30 असेंबलीज में करेंगे प्रचार।
सूत्रों के मुताबिक यात्रा राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर होगी, जिसमें पदयात्रा भी करेंगे राहुल गांधी और वाहन पर भी होंगे सवार। यात्रा 30 सितंबर से प्रचार के आखिरी दिन 3 अक्टूबर तक चलेगी। कई जगहों पर बहन प्रियंका भी साथ नजर आएंगे। हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान, कहा अगर हम बटे ना होते तो ना तो राम मंदिर टूटता और ना ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का ढांचा तैयार होता। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण में 40 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। तीसरे और अंतिम चरण में 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें 26 सीटें जम्मू, 14 सीटें कश्मीर रीजन की है। झारखंड को लेकर बीजेपी और आजसू के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय। देर रात अमित शाह की आवाज पर हुई बैठक में आजसू के खाते 11 सीटें देने की सहमति बनी। उधर चुनाव से पहले पीएम मोदी की महाराष्ट्र को सौगात, आज पुणे स्वारगेट कात्रज मेट्रो लाइन का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। पीएम आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तमिलनाडु मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि बने डिप्टी सीएम। सरकार ने राज्यपाल से युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके मौजूदा विभागों के अलावा डिप्टी सीएम के रूप में नामित करने की सिफारिश की। सेंथिल बालाजी की फिर वापसी, फिर बने मंत्री, सेंथिल को सुप्रीम कोर्ट से 26 सितंबर को मिली थी जमानत। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संकेत दिए, 26 नवंबर से पहले हो सकते हैं चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए यहां आए। मन की बात के 10 साल पूरे, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा करोड़ों श्रोता इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार। पीएम ने कहा मन की बात मेरे लिए ऐसी बात है जैसे मंदिर जाकर ईश्वर के दर्शन करना, मन की बात को घर घर तक पहुंचाने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अमेरिका के दौरे का जिक्र किया, कहा अमेरिका ने 300 कलाकृतियां वापस की, स्वच्छ भारत मिशन से सभी को जुड़ने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एमसीडी चुनाव का मामला, बीजेपी पार्षद राजा इकबाल सिंह ने दायर की याचिका, सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई करने की गुहार लगाई। याचिका में मेयर शैली ओब्रॉय पर नियमों और परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगाया। याचिका में कहा गया स्थायी समिति का चुनाव 5 अक्टूबर तक टालना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की आखिरी खाली सीट पर बीजेपी का कब्जा, बीजेपी उम्मीदवार सुंदर सिंह तंवर को मिले 115 वोट। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कहा हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त चुनावी माहौल है। भूपेश बघेल ने कहा देश लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना के साथ, युवाओं के साथ हो रहे विश्वासघात से वाकिफ है। किसान आंदोलन को अग्निवीर योजना के माध्यम से युवाओं के साथ जो छल किया, और तीसरा पहलवान के आंदोलन को भी लोगों ने देखा। घोषणा पत्र को लेकर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा यह घोषणा पत्र 36 बरादरियों का मैनिफेस्टो है, जिसमें हर एक वर्ग का ध्यान रखना जरूरी है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा मैनिफेस्टो में एजुकेशन, सेहत, महिलाओं, किसानों पर खास ध्यान दिया गया है, घोषणा पत्र को कांग्रेस सरकार बनने पर लागू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के तिरुपति मंदिर जाने पर रोक, आंध्र प्रदेश पुलिस ने वाईएसआरसीपी के नेताओं को नोटिस जारी कर तिरुमाला पहाड़ियों पर न जाने का आदेश दिया। तिरुपति मंदिर में जाने पर रोक लगाए जाने पर जगनमोहन ने जताई हैरानी, वेंकटेश्वर मंदिर में आज पूर्व सीएम को करना था विशेष अनुष्ठान। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट मामले पर उभरे मतभेद के बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का दो टूक बयान, पार्टी की नीति और विचार के खिलाफ नहीं लिया जा सकता फैसला। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खाने पीने की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने के फैसले को आम लोगों के हित से जोड़ा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में आई तेजी, दिसंबर तक पूरा हो सकता है काम, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी। मंदिर के दूसरे फ्लोर को पूरा करने का काम जोर शोर से चल रहा, उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक या फिर जनवरी में मकर संक्रांति के मौके तक काम पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बना पर्यटकों का नया रिकॉर्ड, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 11 करोड़ पर्यटक अयोध्या पहुंचे। आज सिरसा में जेजेपी एएसपी गठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया, विधानसभा चुनाव 2024 में जेजेपी एएसपी एक साथ चुनावी मैदान में।
घोषणा पत्र का नाम है जनसेवा पत्र। चुनाव से पहले अपने सभी वादे, जेजेपी एएसपी जनता के सामने, बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा। दिल्ली में आज ऑल मिनिस्टर मीटिंग, अरविंद केजरीवाल ने सीएम आतिशी को युद्ध स्तर पर काम करने के लिए दिल्ली विधानसभा में चिट्ठी दी थी। ऑल मिनिस्टर मीटिंग में बड़ा फैसला हो सकता है, जारी है बैठक। देश की आधी आबादी को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा महिला राजनीति को केंद्र में रखकर कांग्रेस ने इंदिरा फेलोशिप की शुरुआत की जो अब एक सशक्त कारवां में बदल चुका है। राहुल ने ट्वीट कर आगे लिखा, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए बिना समाज में समानता और न्याय मुमकिन नहीं। आधी आबादी पूरा हक कांग्रेस पार्टी की सोच और संकल्प है। इंदिरा फेलोशिप के माध्यम से महिलाएं शक्ति अभियान से जुड़कर ब्लॉक स्तर पर सशक्त संगठनों का निर्माण कर रही हैं। मुंबई में आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुफिया अलर्ट, फेस्टिवल सीजन से पहले खुफिया एजेंसियों को चेतावनी। खुफिया जानकारी के बाद हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है वो सतर्क रहें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। गाजियाबाद में रॉन्ग साइड आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने एक शख्स को मारी टक्कर, टक्कर के बाद दो पक्ष भिड़े, जमकर मारपीट हुई। दो पक्षों में हुआ टकराव, बीच सड़क पर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। आउटर दिल्ली के नागलोई शुक्र बाजार मार्केट में रोशन हलवाई की दुकान में हुई 3 राउंड फायरिंग, नकाबपोश बदमाश 3 राउंड फायरिंग कर फरार हुए। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स ने पर्ची फेंक गई और आखिर पर्ची में क्या है उसकी जांच की जा रही है। बेंगलुरु के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेजॉन की शुरू हुई साल की सबसे बड़ी सेल, अमेजॉन इंडिया ने अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के लिए बनाया वॉर रूम, फेस्टिवल को लेकर लोगों में दिखा जोश। 24 घंटे एक्शन में AGIF का वॉर रूम, प्रोडक्ट के सेल को लेकर युद्ध जैसी तैयारियां, तकनीक लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग की टीमें AGIF को सफल बनाने के लिए मिलकर काम कर रही। AGIF की टीमें रातों दिन ग्राहक की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए साथ काम कर रही हैं। सेल में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टीवी समेत हर प्रोडक्ट पर बम्पर ऑफर दिया जा रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन, पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, अगर सीमा पर पार आतंक को बढ़ावा दिया गया तो उसके नतीजे भी होंगे। उन्होंने कहा कि इस मंच से कुछ अजीब दलीलें दी गई, मैं भारत के स्टैंड को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद की नीति नहीं चलेगी।